नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्ते, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री जय कुमार सिंह जी, जो कि अपने किसी निजी कार्यक्रम में झारखंड के धनबाद उपस्थित हैं। आइए हम उनसे आज बात करते हैं बिहार के राजनीतिक हालात पे। सर, आपका बहुत स्वागत है। बोल रहे थे सर, आप लोग का यहाँ पे, आपको बिहार में अभी कुछ देखा जा रहा है कि जनता दल यू का भाजपा के प्रति थोड़ी असंतुष्ट की स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए एनपीआर बिल पास करना, एनआरसी के विरोध में बिल पास करना हुआ, फिर अभी दो तीन दिन पहले आपका अश्वनी चौबे जी के जो लड़के उनके खिलाफ चार्जशीट जमा कर दिया गया, इस पर क्या कहना है? देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहता है, इसमें किसी प्रकार के कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एकजुट है, मिलकर बिहार को सुंदर बना रहा है, बेहतर कर रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक आप एनपीआर और सीजेट की बात किए, मुख्यमंत्री जी ने उनकी जो बातें कही हैं वो प्रधानमंत्री की बात को जो मैं दोनों को मिलाएंगे तो हमको लगता है कि वही बात की है। फिर भी हमारी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है हर पार्टी का, तो हम आइडियोलॉजी पर अपने खड़े रहते हैं। बिहार में एनडीए पर कोई प्रश्न नहीं है, किसका चार्जशीट हो रहा है, क्या हो रहा है, कानून पर सभी जानते हैं, देश में नीतीश कुमार की बातों को लेकर उल्लेख होती है और चर्चा होती है कि कानून बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, उस पर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। यानी दबाव में हमारे यहाँ के कोई पदाधिकारी काम नहीं करते हैं, तो कानून की अपनी एक विधा है और उसके अनुसार वो काम करते हैं। इसलिए एनडीए पर इन बातों को लेकर के कोई की मतभेद है ऐसा प्रश्न ही नहीं होता है। लेकिन सर, राजनीतिक बिहार राजनीति के बारे में चर्चा है कि एनआरसी बिल पास करने से पहले 5 मिनट 10 मिनट आपका मुलाकात होता है तेजस्वी यादव के साथ, उसके बाद एनआरसी बिल पास होता है, तो क्या इसके लिए जेडीयू दबाव में थे या नीतीश कुमार जी दबाव में थे? नहीं नहीं, देखिए, उस समय सत्र चल रहा था, सभी को मुख्यमंत्री से मिलने की छूट है और विपक्ष के नेता हैं, यदि वो मिल करके अपनी चीजें कुछ देना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, अपनी पक्ष रखना चाहते हैं, तो सुनना चाहिए। ये तो बहुत स्वच्छ परंपरा और राजनीतिक परंपरा का ये शुरुआत है, पंचायत है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी बातें हर तरह से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बिहार के विकास में और विकास के मुद्दे पर पूरी एनडीए एक साथ है, और आने वाले चुनाव 2020 में अब देखें, अमित शाह जी भी बिहार में आए थे और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2020 की चुनाव होगी और अगली सरकार। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अभी राज्यसभा में जब नॉमिनेशन किया गया तो उसमें काकासाहेब पन्नू को दोबारा नहीं भेजना और अल्पसंख्यक किसी चेहरे को नहीं भेजना, वो दर्शाता है कि जेडीयू में अल्पसंख्यक चेहरों का इज्जत नहीं है, इसमें क्या आपका राय है? आपको जानना चाहिए कि काकासाहेब परवीन दोबारा ये गई हैं और उनकी बहुत ही सम्मान है, और काकासाहेब परवीन का आप स्टेटमेंट भी सुने होंगे, पार्टी में हमको बहुत ही बढ़िया है, चूँकि हमारी सीटें पिछली बार कम हुई, भाजपा मेरे साथी है तो दोनों मिलकर के 3 सीटें हम लोग को लेना था, हरिवंश बाबू लोकसभा का और राज्यसभा में उपसभापति के कार्य संभाल रहे हैं, तो रामनाथ ठाकुर जी माने लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, उनकी अपनी एक इतिहास रही है, तो काकासाहेब परवीन जी को बहुत बेहतर जगह पर फिर से एडजस्ट किया जाएगा, और काकासाहेब परवीन जी से बात करके ही निर्णय लिया गया था। ये आपको सर, आप रोहतास जिले से बिलोंग करते हैं, तो रोहतास जिले से सासाराम से एक सड़क जाती है बक्सर, उनके लिए बक्सर और बलिया जाने के लिए, वो सड़क पर हमेशा जाम रहती है, वो आपके इलाका पड़ता है विक्रमगंज से, उधर हमेशा जाम रहती है, बालू के अंदर गाड़ियाँ बहुत रिलवता में चलती हैं, इसकी शिकायत जनता आम जनता करते रहती है, तो इस पर आपका तरफ से कुछ किया गया है इसको सुधारने के लिए? नहीं, एक रोड तो बहुत बेहतर बना है, हमारी पहल पर बना था, जो डुमरा से जो विक्रमगंज पथ है अभी बहुत बेहतर वो पथ है, क्योंकि एक गांव दावत प्रखंड है जहां बाईपास नहीं होने की वजह से वहां जाम रहता है, उसकी पहल चल रही है, जमीन का अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, वो जल्द वहां बाईपास बन जाएगा।